अक्सर अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले कंप्यूटर बाबा ने अवैध खनन को लेकर दावा किया है कि कमलनाथ सरकार के 5 साल पूरे होने तक किसी को भी अवैध खनन नहीं करने दिया जाएगा और 5 साल में प्रदेश में अवैध खनन पर लगाम लगेगी। कंप्यूटर बाबा इन दिनों प्रदेश भर में घूम घूम कर अवैध रेत खनन माफियाओं के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले नदी न्यास अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने प्रदेश भर में अवैध रेत खनन के खिलाफ मुहिम चला रखी है। नरसिंहपुर के गाडरवारा में पहुंचे बाबा ने दावा किया है कि कमलनाथ सरकार के 5 साल पूरे होने तक प्रदेश भर में अवैध खनन बंद कर देंगे। कोई माफिया एक तसला रेत अवैध रूप से नहीं निकाल पाएगा। गौरतलब है कि कंप्यूटर बाबा प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन करने के बाद अब पूरे प्रदेश में घूम घूम कर अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ रहे हैं। अवैध खनन को लेकर कंप्यूटर बाबा की पहले भी खनन मंत्री के साथ जमकर कहा सुनी हुई थी। खनन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बाबा को बाबागिरी तक सीमित रहने की नसीहत दे डाली थी। नरसिंहपुर जिले में हम तहसील गाडरवारा में, यहाँ नर्मदा को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए हम लोग पूरी पहल कर रहे हैं। जैसे हमारी कमलनाथ सरकार की मंशा है कि नर्मदा नदियाँ कलकल बहें, स्वच्छ साफ रहें और गंदगी ना हो, उसके तहत आज हम गाडरवारा, हमारे साथ में SDM, तहसीलदार, SDOP, TI, सभी समस्त अधिकारी और हमारे माइनिंग अधिकारी सब मिलकर के आज हम लोगों ने बहुत जगह हमारी नर्मदा को नुकसान पहुंचाने वालों को देखा। बहुत जगह जानकारी मिल रही थी कि मशीन चल रही हैं, पर उन्हें जानकारी मिल गई, कुछ लोग तो चले गए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम बहुत कम कर देंगे और लगभग जब कमलनाथ सरकार के 5वें साल चलेंगे तो एक तगाड़ी भी रेत अवैध तरीके से नहीं निकलेगी। कंप्यूटर बाबा गाडरवारा की आसपास की खदानों में भी गए और खदानों की स्थिति का जायजा लिया। बाबा के पीछे पीछे पूरा प्रशासनिक अमला लगा रहा। फरवरी 2019 में विधानसभा में पेश रिपोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने खुद माना था कि 2009 से 2015 तक राज्य में 42,152 अवैध खनन से जुड़े मामले दर्ज कराए गए, लेकिन किसी में कड़ी कार्रवाई होने की बात सामने नहीं आई। अब देखना यह है कि बाबा के लगातार रेत खदानों पर अचानक पहुंचने से अवैध रेत खनन कितना रुकता है और बाबा का दावा कितना सही साबित हो पाता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।